वेलकम टू लुकमान IAS स्टडी जनरल स्टडीज विद लुकमान IAS फॉर बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज GS पेपर 2 एंड 4 विल बी टेकन बाय S अंसारी एंड अदर पेपर्स विल बी कवर्ड बाय रिनोन्ड फैकल्टीज लाइव क्लासेस आर एज इफेक्टिव एज ऑफलाइन क्लासेस द क्लासेस आर हाईली इंटरैक्टिव इन नेचर योर डाउट्स एंड क्वेरीज विल बी एड्रेस्ड एंड देयर विल बी डिक्टेशन ऑफ नोट्स In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. Hello guys, मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है. मैंने UPPSC की PSS 2021 परीक्षा में 24वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है. मैं आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी यूपी स्पेशल करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा. इसके पहले मेरा एक ब्रॉडर प्रिपरेशन पे एक वीडियो आ चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं. इस वीडियो में मैं केवल यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में बात करूंगा. बेसिकली यूपी के एग्जामिनेशंस में जो यूपी रिलेटेड करंट अफेयर का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये तीनों स्टेज यानी कि प्रिलिमिनरी, मेन्स और इंटरव्यू, तीनों स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसमें आपको दो टाइप से स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी. एक स्ट्रेटजी आपको बेसिक रखनी है कि आप बेसिक कैसे यूपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और दूसरी आप कैसे उससे डे टू डे वाइज या मंथ टू मंथ वाइज अपडेट रखते हैं. सबसे पहले आपको यूपी रिलेटेड जो भी जैसे ज्योग्राफी है, यूपी की हिस्ट्री है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. इसके लिए आप कोई भी एक बुक जो यूपी रिलेटेड आती है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स का इस्तेमाल करके आप यूपी रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उससे रिलेटेड नोट्स को बना सकते हैं. प्लस बात आती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की. यूपी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है, बजट आता है यूपी का, तो जो करंट अफेयर है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है. तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोई भी एक मैगजीन, जैसे मैं घटना चक्र की जो दृष्टि आती है उसका सहारा लेता था, आप मंथली मैगजीन का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे आपके अगर आपके पास टाइम अच्छा है तो आप उसकी मंथली नोट्स बनाइए और फिर ईयरली से उसको रिवाइज करिए. आप ये कर सकते हैं. जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की, जैसे आप up.nic.in पे जाइए और रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मेरे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है comtax.nic.in, आप इस पे जाके वेबसाइट पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो भी नए सर्कुलर्स आए, नोटिस आए, उनको आप देख सकते हो. प्लस एक शासनादेश.com वेबसाइट है, उस पे यूपी गवर्नमेंट के सारे शासनादेश आ जाते हैं, सारे सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, उससे भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं. बट एज अ एस्पिरेंट ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हैक्टिक हो जाती हैं, क्योंकि आप उनमें से एग्ज़ाम के रेलेवेंस की कौन सी चीज़ें हैं ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसी अगर आप कोई एक मैगजीन का सहारा लेंगे इनके साथ तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है इसमें तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है. उसके लिए आपको एक तो जो मैंने बताया कि आपको यूपी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल वो गैदर करनी ही करनी है. उसके साथ ही साथ जो भी यूपी का बजट है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है. उस बजट में कौन सी नई स्कीमें आई हुई हैं, क्या क्या आउटले है, किन किन सेक्टर्स को, वो जानना है. और प्लस अगर कोई नई स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या उसका टारगेट एरिया क्या है, इससे रिलेटेड जो MCQs आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. प्लस अगर आप आते हैं यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि जैसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई फोर फीमेल के नाम पे बटालियन बनी है, उधा देवी के नाम पे जैसे बनाई गई थी, तो इसके लिए अगर आप मंथली अगर मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस मंथली मैगजीन में सब कुछ मिला रहता है. मेन इसका जो की है सक्सेस का वो है आपको रिविज़न अच्छे से करना है. अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको वहाँ रिकॉल नहीं हो पाएगा, थोड़ी आपसे मिस्टेक वहाँ पर हो सकती है. इसलिए आपको अगर प्रिलिमिनरी की बात की जाए तो यूपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनानी है, और नोट्स के साथ ही साथ न्यूज़पेपर के थ्रू आप, अच्छा न्यूज़पेपर आप इसमें लोकल एक जो आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या द हिंदू पढ़ते होंगे वो तो नेशनल इशू के लिए होता ही होता है, बट आपको एक लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए. जैसे कि अगर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपको मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप जो भी आपको अच्छा लगता हो लोकल न्यूज़पेपर उसको आप ले लीजिए. उसमें भी आपको जो नेशनल पर्सपेक्टिव या यूपी पर्सपेक्टिव एज अ होल है वही वाला पोर्शन पढ़ना है. जो लोकल खबरें होती हैं वो हमारे रिलेवेंस की नहीं होती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या कोई इंसिडेंस अटैक हो गया या मर्डर हो गया, इन सब से हमें मतलब नहीं है. हमें देखना है कि कौन सा पॉलिसी डिसीजन, कौन सा स्कीम रिलेटेड डिसीजन या किसी इवेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आया हुआ है या गवर्नमेंट की कोई रूलिंग आई हुई है या कोई नया इवेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रही है, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करते हो, उसे छोटे से आपको नोट बना लेने चाहिए.
प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता था जिससे मैंने प्रिपरेशन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जब कोई इवेंट होता है ऐसे गवर्नमेंट के एक साल पूरे होते हैं या दो साल पूरे होते हैं तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट देती है, तो उस एडवर्टीजमेंट में गवर्नमेंट बहुत डिटेल में उसने जो जो स्कीम बना रखी है उसका कितना आउटले है उसका क्या इम्पैक्ट रहा उनसे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को वो देती है। अगर आप उस एडवर्टीजमेंट को, जैसे मैं एडवर्टीजमेंट को काट के रख लेता था, तो उस एडवर्टीजमेंट्स को अगर आप रखेंगे अपने पास तो आपके पास रेडी रेफरेंस रहेगा और प्लस वो एक चूँकि पब्लिक रिलेशन ऑफिस के द्वारा दिया गया इशू रहता तो उसकी बहुत ऑथेंटिसिटी भी अच्छी होती है, तो अगर आप उससे रिलेटेड आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस जो यूपी की गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ नई नई इंट्रोड्यूस करती है, जैसे यूपी एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 की, यूपी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 की, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2019 की, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं इन पॉलिसी रिलेटेड आपको रेडी रेफरेंस नोट जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ होती है ये हर दिन चेंज नहीं होती, ये फाइव ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिए इनका आउटले होता है और इनका विज़न होता है, तो इस स्कीम से रिलेटेड अगर आप बनाए रखेंगे तो आपको प्रीलिम के साथ साथ मेंस में भी हेल्प करता है। इसमें आपको क्या बेनिफिशियरी है, कितना आउटले है, क्या टारगेट रखा गया है, इससे रिलेटेड आपको पास रेडी रेफरेंस डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड हम आते हैं सेकेंड हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में जो यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो जैसे आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो केवल यूपी स्पेसिफिक होते हैं। उन यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर भी 50% होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, जो आपको ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड है, प्रयागराज की सांस्कृतिक रेलेवेंस बताइए, सांस्कृतिक महत्व बताइए, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़े फैक्चुअल टाइप के हैं। अब कुछ इस टाइप के आते हैं जैसे कि यूपी की कोई पॉलिसी है इसके बारे में प्रकाश डालिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको हैंडल करने के लिए पहले मैंने बताया जो बुक का सहारा लेंगे तो उससे आपका ये रिलेवेंस वाला क्वेश्चन जो फैक्चुअल है वो कवर होगा, और जो करंट अफेयर रिलेटेड है इसके लिए आपको उस पॉलिसी को अगर आप स्टडी किए रहेंगे या उस जो कोई नया एक्ट आया है जैसे प्रोहिबिशन टू रिलीजियस कन्वर्जेंस एक्ट आया था यूपी में कि नहीं इलीगल जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे थे उनके बारे में एक्ट आया था, वाटर की जो क्राइसिस आ रही थी यूपी के अंदर मतलब एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उससे रिलेटेड एक एक्ट आया था, तो उसमें आप देखिए कितने वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक हैं, कितना परसेंटेज यूपी का ब्लॉक है, एक आप मैप बना लीजिए उस मैप में लिख लीजिए कितने परसेंटेज में कहाँ जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है यूपी में तो किस एरिया में डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पर कम एक्टिव है, तो अगर आप इसके मैप वगैरह बना कर रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। DKT State PCS। अगर आप केवल State PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT State PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे मिनरल पे क्वेश्चन आ गया कि जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं यूपी के इसके बारे में प्रकाश डालिए, तो अगर आप मिनरल्स के बारे में एक रेडी रेफरेंस रखेंगे कि हाँ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप फटाक से उसका मैप बनाएंगे, उसको शो करेंगे, आप लिखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज आप लिखते हुए उसको आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें आपका एक तो टाइम भी बचता है प्लस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होने के कारण मेन्स एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी उसके अवार्ड किए जाते हैं। यूपी स्पेसिफिक और जैसे करंट अफेयर्स होता है तो आप जब भी कभी गवर्नमेंट के जैसे कि जो स्पीच देते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल गवर्नर, स्पेशली जो ऑनरेबल गवर्नर जब बजट सेशन स्टार्ट होता है असेंबली का तो एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच को जरूर सुना करिए। जो बजट डॉक्यूमेंट आता है अगर अवसर कम से कम उसकी समरी तो जरूर सुना करें कि समरी मतलब पढ़ा करें कि समरी में क्या क्या दिया गया है, कोई भी नई स्कीम आती है रिलेटेड तो उन स्कीम्स को आप ज़रूर फॉलो कर लिया करिए, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यूपी रिलेटेड जो करंट अफेयर है इसको आप कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रेडी रेफरेंस चाहिए इसमें तो कई सारे कोचिंग्स भी हैं इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल पब्लिश करते रहते हैं, जैसे जीएस स्कोर की एक यूपी स्पेशल आती है मेंस के ठीक पहले, इवन घटनाचक्र पब्लिकेशन भी जो अपनी मेंस के पतली पतली बुकलेट्स निकाल रहा था उस बुकलेट्स में भी कहीं ना कहीं यूपी रिलेटेड कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। इसी के साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर में जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट वगैरह आ रही है अगर आपने उनके नोट बना कर रखे हैं तो आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर कि आंसर राइटिंग में यूपी रिलेटेड जो करंट अफेयर है इसको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया जिसमें कहीं भी यूपी का उल्लेख नहीं है लेकिन आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो यूपी के एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं,
तो जब आप उसका कंक्लूजन लिखें या आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते समय कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप दे सकते हैं वाटर स्ट्रेस पर क्वेश्चन आया, तो आप इससे लिख सकते हैं कि यूपी के 360 ब्लॉक्स जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। तो अगर आप इस टाइप का डेटा कोट करेंगे और बता सकते हैं कि यूपी की जो एंटी यूपी में जो ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो इस दिशा में एक अच्छा कदम है, अगर कंक्लूजन में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इनको देश के साथ साथ अपने प्रदेश की भी अच्छी जानकारी है। तो अगर आप इस टाइप से आंसर लिखते हैं तो आपको नॉर्मल है कि और लोगों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्लस जब इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू में हम क्या इसमें क्या रोल रहेगा, तो इंटरव्यू में टाइम में जो यूपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो भी बोर्ड मेंबर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं यूपी से रिलेटेड सिनारियों के बारे में और यूपी से रिलेटेड क्या चल रहा है उसके बारे में पूछते हैं, तो उसके लिए आपको वही एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है और उसमें जो भी आप देख रहे हैं कि हाँ जो भी इवेंट हो रहे हैं या जैसे बजट आया हुआ है या इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है या यूपी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लॉन्च करी, तो आपको उसके बारे में रेडी रेफरेंस होना चाहिए और आपको हमेशा जो भी आंसर देना है हमेशा यूपी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू में देना है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यूपी की जो करंट अफेयर होती है वो आपको और एस्पिरेंट जो कि और स्टेटों से दे रहे हैं, बट आपको ये दिखना चाहिए कि आप क्यों भले आप दूसरे स्टेट से हो या आप इसी स्टेट के हो तो आपको यूपी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और आप इस स्टेट में कार्य करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी और यूपी स्पेशल जो भी करंट अफेयर है इससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गैदर करने में आपको उम्मीद मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जर्नी में मेरा थोड़ा बहुत योगदान भी है और मैं आपके मंगल आपके अच्छे भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।